भी दिखा देते हैं आपको कि एफआईएस और डीआईएस की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो कैसे हैं शुक्रवार को। संस्थागत निवेशकों की अगर बात करें तो एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है और 7631 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कैश मार्केट में। और अगर पिछले का पीछे का ट्रेंड देखें हम तो करीब लगातार देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा हावी है, 14वें दिन भी बिकवाली हुई है और मार्च में ही अब तक करीब 600 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। हालांकि उसके सामने डीआईएस का जो आंकड़ा है वो खरीदारी का यहाँ पर नज़र आ रहा है। डीआईएस की अगर बात करेंगे तो वो खरीदारी करके गए हैं करीब 4740 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से देखी गई है। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस का 550 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन में भी जो आंकड़ा है वो 1344 करोड़ का है। तो आंकड़ा नेट नेट बिकवाली का ही दिखाई दे रहा है लेकिन डीआईएस की तरफ से यहाँ पर जो सपोर्ट है वो लगातार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बने हुए हैं बाजार में। लेकिन आज मार्केट की शुरुआत कैसी हो सकती है ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत बहुत स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार ये जो बिकवाली है अब और एक बड़ा ट्रिगर आ गया है, कच्चे तेल ने अपने सारे रिकॉर्ड को पार कर लिया है जिसका कि असर आज भारतीय बाजारों पर देख सकता है। आप क्या लेवल्स वॉच करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अपने व्यूज शेयर करिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए शुरुआत से ही यू नो अच्छे क्लूज नहीं है हमारी मार्केट के लिए। इनफैक्ट ये काफी यू नो करेक्टिव फेज काफी लंबे टाइम से अब चलता आ रहा है। ऑलमोस्ट पहले एक टाइम वाइज करेक्शन था, प्राइस वाइज भी हम देख रहे हैं डिटरेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से यू नो क्रूड में एवरी पासिंग डे वी आई थिंक की एक अपटेक देखने को मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी नेगेटिव न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए भी, तो उसी का रिएक्शन हम देख रहे हैं अभी। बट पूजा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 15900 के हम ऊपर ओपन करते हैं या नीचे ओपन करते हैं, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि एसजीएक्स के कुछ इंडिकेटिव यू नो टिक्स होते हैं उसके बाद फिर जब ओपन होता है मार्केट तो उसमें कुछ डिफरेंट निकल के आता है। तो वी आर होपिंग कि 15900 को एटलीस्ट मार्केट आज रिस्पेक्ट करे। उससे पहले 16100 का भी आंकड़ा है बट जिस तरीके से एसजीएक्स दिखा रहा है वो मुश्किल लगता है कि शायद उसके ऊपर ओपन हो। और इन केस रीबाउंड अगर आता है बाजार में तो 16450 से लेकर 16600 ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। बैंकिंग इंडेक्स कंपैरेटिवली वीक लग रहा है पूजा और यहाँ से मेरे हिसाब से अभी भी इसमें रूम है करीब यू नो 33300 तक के लेवल्स का। अगर मैं बात करूँ आने वाले दिनों में तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और पहला एक रेजिस्टेंस 35700 का जोन होगा वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल, तो आपको की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं और एक दायरा बता दिया गया है उसी दायरे में ट्रेड करिए। ध्यान रखिए कि आज बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी बड़ा रह सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की राय आपको दी जा रही है। अजीत ये तो आपने मार्केट स्ट्रैटेजी शेयर की, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपना के चले? देखिए ओवरऑल बायस नेगेटिव है तो इसमें कोई दो राय नहीं है एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स। अगर आप बात करें तो जैसे कि मेटल आईटी और यू नो सेलेक्ट स्टॉक्स जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले हैं जहां पे कि आप देख रहे हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो कुछ एक और सेक्टर्स भी हैं जहां पे कि आपको इससे रुझान दिखेंगे और उसमें से आईटीसी अगर आप नोटिस करेंगे पूजा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ यहां पे एक स्ट्रांग कैंडल फॉर्म हुई थी। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि डिफेंसिव पैक में से आईटीसी यहां से अच्छा कर सकता है। 215 के स्टॉप लॉस के साथ 244 तक के टारगेट्स के लिए आप आईटीसी को लॉन्ग कर सकते हैं। और वहीं पे क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स वीकर साइड पे है तो यहाँ पे एमएनएम फाइनेंस को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन होगी 146 के स्टॉप लॉस के साथ 124 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो रणनीति आपको बता दी गई है बट अगेन स्टॉप लॉस जरूर लगाए आज कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो जिस तरह का मार्केट आज दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अजीत ने खरीदारी करने की राय दी है आईटीसी पर, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 215 का, जरूर ध्यान रखें, और टारगेट होगा 244 का। दूसरे कॉल में एमएनएम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय ये दे रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 146 का और लक्ष्य जो देख रहे हैं आज के लिए वो 124 का होगा। और आज के दिन जिस तरह से ब्रेंट में
उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ सिलेक्टेड स्पेस है जहां पर कि इसका असर भी दिखाई देता है, वहां पर भी थोड़ा कॉशियस रहिए। और कुछ सेक्टर्स जहां पर कि फायदा मिलता है, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आज जरूर नजर रखिए, वहां पर कुछ तेजी देखने को मिल सकती है जिन कंपनियों को फायदा होता है, लाइक OMC, ONGC जैसी कंपनियों को इसका फायदा भी होता है, तो आज वहां पर जरूर नजर रखिए। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है बाजार का, वो इस वक्त काफी नेगेटिव है। इस वक्त अगर एशियाई बाजारों पर फिर से नजर डालें तो कमजोरी ही हावी है। SGX निफ्टी अब देखिए 2.5% नीचे है, निकाई में करीब 1000 अंकों की करीब करीब 1000 अंकों की कमजोरी है। जो इंडेक्स है वो 4% के करीब कमजोर है। हैंगसेंग के बाजारों को हम देखेंगे तो वहां पर भी 4% की कमजोरी इस वक्त दिखाई दे रही है, और दिन के अभी फिलहाल निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। शंघाई में भी कमजोर शुरुआत ही देखने को मिल रही है। तो ये बाजार है, ये जो संकेत मिल रहा है वो एशियाई बाजारों से मिल रहा है, उनको देखते हुए क्लियरली ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय बाजारों की भी जो शुरुआत है वो इसी तरह से थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स पर भी रुख कर लेते हैं, और आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले पेंट जो है स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और यहाँ पे जेके सीमेंट जो है एक अनाउंसमेंट की है, और वो पेंट्स की जो बिजनेस है उस पर वो एंट्री करने वाली है, और वहाँ से बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अगर बात करें आंकड़ों की तो लगभग कंपनी जो है लगभग 600 करोड़ निवेश करने वाली है अगले 5 साल में, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब देखिए जिंदल ग्रुप और ग्रासिम, ये दोनों कंपनीज़ भी जो है पेंट्स के बिजनेस में जो है आपका एंट्री ली है, तो देखा जाएगा बहुत एक इंटरेस्टिंग प्ले होने वाली है और कंपटीशन बढ़ने वाली है। उसके कारण जो मार्केट लीडर्स हैं पेंट में वो शायद ये थोड़ी सी ज़रूर थोड़ी प्रेशर में ज़रूर आ सकते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स, बोजो पेंट्स के जैसे स्टॉक्स। अब बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ पर भी कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। उनकी जो भुज की यूनिट है जो गुजरात में है, वहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन जो है आपके ब्राउन फील्ड की एक्सपेंशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, और ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो लगभग 50,000 मिलियन टन्स पर एनम का जो टायर प्रोडक्शन है उससे बढ़ने की उम्मीद है, और ये जो है अगले 6 महीने में पूरी रैंप अप होने वाली है इस प्रोडक्शन को, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शोभा में बात करते हैं, शोभा भी फोकस में रहेगा। प्रमोटर्स ने प्लेज रिलीज कर दी है शेयर्स की, तो लगभग 1 करोड़ शेयर्स जो एक 10.54% स्टेक है उसको जो है शेयर को छुड़वाए है, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और ये रिलीज प्लेज हुई है SBI के तरफ से उनके दुबई प्रोजेक्ट जो शोभा दुबई रियल्टी है उसके ऊपर। दिलीप बिल्डकॉन भी रहेगा फोकस में, और यहाँ पर कंपनी का 2 इंपॉर्टेंट खबर आए हैं। सबसे पहला है कि वो डेफिनेटिव एग्रीमेंट में चले गए 10 हैम प्रोजेक्ट्स बेचने वाले हैं श्रेम फाइनेंशियल के साथ, वो करार आया है। टोटल इक्विटी वैल्यूएशन लगभग 2400 करोड़ का देखने को मिलेगा, और रिडक्शन जो डेट में है वो लगभग 4000 करोड़ का होने वाला है। उसके अलावा जो है एक EPC प्रोजेक्ट भी उन्होंने RVNL के साथ किए जो लगभग 640 करोड़ रुपए के लिए है। रेमंड भी रहेगा फोकस में, और इधर पे हम बात करेंगे रेमंड के फोकस में जो उनकी प्रमोटर है जेके इन्वेस्टर्स, वहाँ पर उन्होंने जो है लगभग 77 लाख शेयर्स को जो है गिरवी रखी है, प्लेज क्रिएट की है, और ये लगभग 11.6% स्टेक है, तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जरूर है, स्पेशली जब रियल एस्टेट बिजनेस जो रेमंड की है उस वो फोकस में रहेगी। इन्फो एज भी रहेगा फोकस में, यहाँ पे उन्होंने 76% स्टेक अक्वायर की है एल नेटवर्क में, तो ये ओवरऑल 91 करोड़ का डील था, और ये जो है डेटिंग ऐप होती है उसको जो है ये एल नेटवर्क संभालती है, 3 या 4 डेटिंग ऐप्स उनके हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी रहेगा फोकस में, यहाँ पे उन्होंने अपनी फंड रेजिंग का डेट अनाउंस किया है वो है मार्च 9, तो इस दिन जो है फंड रेजिंग का विचार किया जाएगा, और यहाँ पे आप इक्विटी शेयर से भी फंड रेज हो सकता है या राइट्स इशू से भी, तो ये इंपॉर्टेंट डे रहेगा जहाँ पे फंड जुटाने की बैठक को देखा जाएगा PNB हाउसिंग फाइनेंस के लिए। बजाज फिनसर्व की भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पे फरवरी का अपडेट आया है, तो सबसे पहले जो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें, जहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम लगभग 813 करोड़ रुपए के लिए आया, और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे कुल प्रीमियम लगभग 880 करोड़ का आया है। और आखिर में बात करेंगे वीमार्ट रिटेल की, यहाँ पे जो है एक एक्विजिशन हुई थी जहाँ पे सेबी का जो SBI म्यूचुअल फंड है, माफ़ करेगा, वहाँ पे लगभग 9 लाख शेयर उन्होंने खरीदा था 3 मार्च को, और इससे कारण जो हिस्सेदारी है उसमें बढ़ोतरी हुई ऑलमोस्ट 4.2% से लेके 8.8% तक का जो है स्टेक जो है SBI म्यूचुअल फंड का अभी वीमार्ट में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं बिट्स एंड पीसेज में आज मार्केट के लिए। और
ऑल राइट, तो खबरें भी आज काफ़ी सारी हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी डिटेल्स देने के लिए। खास करके जेके सीमेंट आज फोकस में रहेगा। पेंट कारोबार में एंट्री लेने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और करीब 600 करोड़ निवेश करने की योजना है अगले 5 सालों में कंपनी की, तो यहाँ पर ज़रूर नजर रखिए, इसमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोभादले बिल्ड कॉन्ट्रेमेंट, इन्फो एच, पीएनबी हाउसिंग, बजाज फिनसर्व और वी मार्ट रिटेल, ये स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुआजी ग्रुप के रवि देवरा जुड़ चुके हैं सुबह सुबह। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे पहले तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड जानने से पहले कच्चे तेल पर क्या व्यू बन रहा है आपका, वो समझना चाहेंगे, क्योंकि $135 के पास इस वक्त पहुंच चुका है। क्या व्यू बन रहा है आपका वहां पर, और बाकी कौन से कमोडिटी स्पेस है जहां पर कि आज आप नजर रखे हुए हैं? जरूर से, कच्चा तेल काफी वन साइडेड नॉर्थवर्ड तेजी दिखा रहा है। पर्टिकुलर जो कल लेट नाइट न्यूज निकल के आया कि रशिया, यूएस ने जो भी रशियन इम्पोर्टर्स है, जो क्रूड ऑयल इम्पोर्टर्स है और उसके अलाइज है, उसको क्रूड इम्पोर्ट ना करने के लिए एक सूचना जारी की है। हालांकि ये डायरेक्ट सेंक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्टली यही बात हुई कि यूएस ने ऐसे देखे तो क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट करने के लिए धीरे धीरे सबको मना रहा है। हालांकि डायरेक्ट सेंक्शन लगेगे तो और यहाँ से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेंक्शन लगे तो रशिया एंड डायरेक्टली जो यूएस एंड अलाइड नेशन है उसके बिटवीन ये जियो पोलिटिकल टेंशन और गहरा होगा। तो आई थिंक ये थोड़ा मार्केट में एक नेगेटिविटी का माहौल है। और अभी जब देखे तो ओपेक ने जो लास्ट मीटिंग में भी कुछ अपना प्रोडक्शन रेज नहीं किया है, तो आई थिंक डिमांड वैसे भी बनी हुई है एंड उसके सामने सप्लाई देखे तो वो लगातार टाइट हो रहे और कुछ सेंक्शन की बात हो रही, तो मुझे लग रहा है कि आज तो देखे तो सुबह में ब्रेंट $139 के लेवल क्रॉस करके ट्रेड कर रहा था, थोड़ा इज ऑफ आया अभी, पर फिर भी 9-10% के गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है सस्टेनेबल तेज है, इसमें ज्यादा इफ एंड बट्स नहीं है। ऊपर मेरा मानना है कि ब्रेंट में 150 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखने को मिलेंगे, अगर सैंक्शन लगे ऑफिशियली रशिया पे तो और यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। तो इतना गैप अप के बाद चेस नहीं करना है, थोड़ा वोल्टालिटी में नीचे आए तो हम क्रूड को चेस करेंगे, बट उसके सामने इसके एक इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी उसको आप चेस करें। नेचुरल गैस जैसे ही कोयला के दाम बढ़ रहे हैं, इसके पावर के दाम बढ़ रहे हैं, जो क्रूड बढ़ रहा है तो उसका एक बेनिफिट नेचुरल गैस को डायरेक्टली मिलेगा। 395 के टारगेट के लिए बाय करें, 377 का मैंने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है, तो मैंने गैप अप ओपनिंग करके ही स्टॉप लॉस टारगेट दिए, इस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड भी सेट होगा। गोल्ड में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड बढ़ रहा है ये इन्फ्लेशन की काफी बड़ी चिंता ग्लोबल इकोनॉमी के सामने होगी एंड ग्लोबल ग्रोथ भी काफी इम्पेक्टेड होगा और जियो पोलिटिकल का रिस्क बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें 53,800 के टारगेट के लिए एंड 52,210 का स्टॉप लॉस लगाए, एंड 300 का स्टॉप लॉस दे उसके सामने 1,300 रुपए का टारगेट दे, तो गैप अप भी खोलता है तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है वहां पे सेट हो सकता है। ओके रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ये व्यू शेयर करने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोल्ड और नेचुरल गैस दोनों में एक तेजी दिख रही है, यहाँ पर भी खरीदारी की रणनीति आपको सुझाई।